हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। राम राम सभी को, राम राम सत श्री अकाल जी। आज मैं एक ऐसे टॉपिक की चर्चा कर रहा हूँ जो काफ़ी चर्चा में है, चर्चा में भी कह सकते हो, काफ़ी विवादों में भी कह सकते हो, काफ़ी आप इस सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है। उसका नाम है प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। ये किसी ने नाम सुना या ना सुनो, आपने एक नाम जरूर सुना होगा, ईडी। और सबसे पहले ईडी से बताने से पहले मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब ये वीडियो बनाने से पहले मैं सुरजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सुरजीत सर ने मेरे को बोला है कि आप ईडी पे वीडियो बनाना है, और मेरे ये दिमाग से स्किप हो गया था क्योंकि मुझे पहले बना देना चाहिए था। मतलब सुरजीत सर ने मुझे याद दिलाया, शुक्रिया सर का। और इस वजह से मैं ईडी के एक वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ईडी की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चाहिए ईडी है क्या, दूसरा हमें पता चाहिए क्या काम करती है, तीसरा हमें पता ना चाहिए कि यार ये इतना विवादों में है क्यों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अब चर्चा में भी क्यों है। देखो वर्तमान, अभी हाल के दिनों में देखोगे, एक दो दिन में, तो देखो लालू यादव ईडी के चक्कर काट रहे हैं। मतलब यूपी सॉरी बिहार के पूर्व सीएम है, झारखंड के सीएम ने कल ही हेमंत सोरेन ईडी के चक्कर काट रहे इस्तीफा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ईडी के चक्कर काटने की पूरी तैयारी में। बहुत से ऐसे नेता है जो ईडी के चक्कर काट रहे हैं। तो आखिर ईडी है क्या, ये चक्कर क्यों काट रहे हैं और इस पे विवाद क्यों हो रहा है, तो हमें इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ईडी है क्या। ईडी एक प्रकार की जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी, जांच एजेंसी, जांच एजेंसी का मतलब एक ऐसी सरकारी संस्था है जो जांच करती है, कुछ चीजों को जांच करती है। तो किस चीजों को जांच करती है मैं बताता हूँ। इससे पहले आपको बताता हूँ, जांच एजेंसी में बहुत सी जांच एजेंसी है देश में, जैसे सीबीआई भी जांच एजेंसी है, इनकम टैक्स भी जांच एजेंसी है, इनकम टैक्स ठीक है, वैसे ही एक ईडी भी एक जांच एजेंसी है ठीक है। तो हमें पता ना चाहिए ईडी एक जांच एजेंसी है, और ये वित्त मंत्रालय के अंदर एक एजेंसी है, वित्त मंत्रालय की। और जो कि मेन काम इसका क्या है, जो देश में आर्थिक अपराध को लगाम लगाना, जो अपराध होते हैं ना आर्थिक अपराध है, उस अपराध को काउंटर करने के लिए, उस आर्थिक अपराधों पर कार्यवाही करने के लिए ईडी का मेन काम है। और आर्थिक अपराधों से जुड़े हुए कुछ कानून है, जैसे आपने सुना होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, एक आर्थिक भगोड़ा अधिनियम, जो विजय माल्या आर्थिक, जैसे विजय माल्या है उसने मतलब कि आर्थिक अपराध किया, लंदन में शिफ्ट हो गया, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए आर्थिक मतलब अपराध भगोड़ा अधिनियम 2018 पारित हुआ। ये तीन कानून को मुख्य रूप से लागू करती है, और इस कानून को लागू करने के संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति की उसको जांच करनी पड़ती है तो उस व्यक्ति की जांच करती है। सिंपल सा मीनिंग इतना ही है। देखो आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई करती है, और व्यवहार में ये कहा जाए, जैसे प्रैक्टिकल भाषा में यदि कहूँ तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है। मनी लॉन्ड्रिंग, देखो यहाँ पे लिखा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जिसके पास काला धन है, काला धन, और काला धन यहाँ पे बोला जाता है ऐसा धन ठीक है जो गैर कानूनी है। आपके पास मतलब आपके पास धन है, धन रखो कोई दिक्कत नहीं, आपके धन वो होना चाहिए जो भारत सरकार राज्य सरकार के कानून को फॉलो करते हुए आपके पास धन है, वो तो ठीक है। यदि आपके पास ऐसा धन है जो कानून का उल्लंघन करके पास आया है, उसको बोला जाता है काला धन। उस काला धन की जांच पड़ताल करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, यदि आपके पास पैसा दूसरे देशों से आया है और कानून मतलब सरकार के कानून को पूरा नहीं किया, उसको विदेशी मुद्रा, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, इन मामलों से रोकने के लिए ये एजेंसी काम करती है ईडी। और ईडी ये नहीं कि मोदी जी ने बनाई है, ये भी नहीं, ईडी नेहरू जी के टाइम से इसका गठन हुआ, 1 मई 1956। खास बात यह कि कांग्रेस भी उस समय दूसरे नेताओं के यहाँ ईडी भेजती थी, आज मोदी जी दूसरे देशों के यहाँ पे ईडी भेजते हैं। कहने का भाव यह कि ईडी कांग्रेस के राज में भी थी, बीजेपी के राज में थी। कांग्रेस के राज में बीजेपी के घर आती थी तो बीजेपी वाले कहते थे कि कांग्रेस ईडी का मिसयूज कर रही है। आज बीजेपी ईडी को कांग्रेस के घर भेज रही है तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी मिसयूज कर रही है। इससे सार ये है कि ईडी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो स्टार्टिंग से चल रही है, अच्छा काम कर रही है। बस बात इतना है कि इसकी मेंटलिटी पे एक सॉरी इसकी नीयत पे शक किया जा सकता है, क्योंकि ये विपक्ष के घर ही क्यों जाती है, जब कांग्रेस सत्ता में तब भी ये ऐसे करती थी, बीजेपी सत्ता में तो भी ये ऐसा काम करती है ठीक है। ईडी मैंने ईडी मतलब कौन कौन से कानूनों को मतलब कि इन्फोर्समेंट करती है, जैसे मैंने कहा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ठीक है, ऐसी ये कानून है, आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम सॉरी 2012 नहीं है 2018, इस तीन कानून को ये इन्फोर्समेंट करती है ठीक है। तो ये है कि ईडी एक जांच एजेंसी, इन तीन कानूनों को काम करती है। इसमें विवाद हालांकि क्यों हो रहा है, विवाद आलोचना ये तो चलो ठीक है कि सरकार विरोधियों को मतलब कि दबाने की कोशिश कर रही है, ये तो जैसे सामान्य है, जैसे बात आ गई एक आम बोलचाल की भाषा में हम भी समझते हैं, किंतु इसके पीछे डेटा काम करता है। एक आप डेटा को देखोगे तो
कुछ समय पहले भारत सरकार ने खुद मतलब मोदी सरकार ने संसद में एक डेटा शेयर किया है। डेटा शेयर करते हुए सरकार ने यह बोला है कि जुलाई 2022 की बात है कि ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब काला धन रोकने के लिए जो कानून है उसके तहत 5422 मामलों में ईडी ने कार्रवाई की है, और 5422 में से मात्र 23 मामले ऐसे हैं जिस पे कार्रवाई की है उसको दोषी सिद्ध हुआ है। कहने का मतलब 5-6 हजार आदमियों पे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और से 20 आदमी चोर निकले। कहने का मतलब यह है कि ऐसी ईडी हर किसी को पकड़ के ले जा रही है, चोर हो या ना हो। विपक्ष का मानना है कि चोरी करी तो आप ईडी हमें लेके जाए, पर चोरी है ही नहीं तो हमें ईडी को इसलिए मतलब सॉरी भेजा जा रहा है, हमें मानसिक रूप से दिक्कत में दिया जा रहा है, हमारी छवि को खराब किया जा रहा है और सरकार अपने चुनाव में इसको फायदा ले रही है। और कन्विक्शन रेट जिसे दोष सिद्धि का रेट, कन्विक्शन रेट कानून की भाषा में इसको बोला जाता है कन्विक्शन रेट, मात्र इसकी 0.5% है। और वैसे आप देखोगे ठीक है, वैसे आप देखोगे तो देखो आईपीसी, आईपीसी जो भारत का काम है आईपीसी, उसके तहत कन्विक्शन रेट 57% है, और जबकि कहां तो 57% और कहीं 0.5 मतलब ठीक है। और ये तो बात होगी सरकार की, सरकार तो कहती है कि जांच एजेंसी है, इन तीन कानूनों का आपने उल्लंघन किया है तो हम इसलिए जांच कर रहे हैं, और यदि आपने उल्लंघन किया तो आपको डरने की जरूरत ही क्या है, जब आप चोर हो ही नहीं तो आप क्यों दिक्कत, तो आप जांच करवा लो। विपक्ष ऐसे कह रहा है कि देखो कन्विक्शन रेट इतनी कम है, सरकार खुद ही कह रही है हमने कोई चोरी चारी नहीं की। हमारी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ठीक है, और मीडिया की आवाज को दबाने के लिए ठीक है, कोई जो एनजीओ है उसकी आवाज को दिखाने के लिए, प्रेशर ग्रुप है दबाव समूह की आवाज को दबाने के लिए सरकार इसका मिसयूज कर रही है। देखो बात यह है, सरकार अपनी जगह सही है, विपक्ष अपनी जगह सही है, बट यदि आंकड़े देखें, आंकड़ों में जिस प्रकार कन्विक्शन रेट इतनी कम, उससे तो यही जाहिर होता है कि सरकार ने इसका मिसयूज ज्यादा किया ठीक है। बाकी ईडी की प्रक्रिया, ईडी आखिर काम कैसे करती है ये भी हमें पता चले। सरकार द्वारा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत एक कोर्ट बनाई जाती है जिसको बोला जाता है पामला कोर्ट, प्रिवेंशन पीएमएलए कोर्ट, और जिसको एक प्रकार से वो सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट की मतलब उसके पास पावर होती है, सेशन कोर्ट की पावर है, कोर्ट की पावर होती है तो कोर्ट किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है जांच के लिए। जब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट बुलाता है तो उसको कानून की भाषा में कहा जाता है समन जारी करना, समन जारी करना, इसको स्पेलिंग ऐसे होती है समन जारी करना, तो समन जारी करती है। जैसे हेमंत सोरेन जी को भी समन जारी किया गया था, झारखंड के सीएम को, बिहार के सीएम लालू जी को भी समन जारी किया गया था, केजरीवाल दिल्ली के सीएम को भी समन जारी किया जाता है। और प्रिवेंशन यदि पामला कोर्ट से आप असहमत हो तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हो। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी की गिरफ्तारी, ईडी द्वारा जो गिरफ्तारी की जा सकती है उसकी जो शक्ति है वो लिमिटेड है, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, और ईडी द्वारा विधि का शासन पर बल दिया जाए। उसने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में ईडी को फटकार लगाई है, कहा है कि आपको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लोकतंत्र संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, और जो विपक्ष है, मीडिया है, एनजीओ है, प्रेशर ग्रुप है या अन्य कोई भी व्यक्ति जिस पे आप कार्रवाई करें, उससे पहले उनका संविधान में अनुच्छेद 19 में जो व्यक्ति की आजादी है, मूल अधिकार है, उनको आपको सुनिश्चित करना चाहिए। ये नहीं कि सरकार ने जो कह दिया आंख मूंद के उस पर काम करो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।